सुपर बात बच्चों, आज हम सब्जेक्ट हिंदी सेकंड के अंदर लेखन कार्य करेंगे, जिसमें पत्र लेखन होगा, जिसमें बधाई पत्र ग्रुप में आज हम करेंगे। कल हमने धन्यवाद या कृतज्ञता ग्रुप में जो पत्र ग्रुप में किया था, धन्यवाद को ज्ञापन पत्र एक पत्र लिखा था। आज हम बधाई पत्र कर रहे हैं जो अनौपचारिक पत्र के रूप में है। अनौपचारिक पत्र जो मित्रों के बीच या माता पिता या कोई भी अपने हमारा रिश्तेदार हो सकता है या कोई भी बंधु हो सकता है, भाई बंधु हो सकता है, इसलिए हम इस तरह से पत्र लिखते हैं। इस प्रकार का पत्र लेखन व्यवहारिक या पारिवारिक पत्र लेखन के रूप में होता है। आज हम बधाई पत्र के रूप में पत्र लिखते हैं, इसको आप अच्छी तरह से देखेंगे और समझेंगे। समय को रवि मानते हुए अपने मित्र पंकज को गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर बधाई पत्र, यानी अपने मित्र को पत्र लिखना है। और समय को रवि मानते हैं, यहाँ पर अपने मित्र पंकज को पत्र लिखना है, तो गणतंत्र दिवस समारोह में उसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप उसे आपको बड़ी खुशी हो रही है अपने मित्र के प्रति, तो उसे आप बधाई पत्र लिखकर मित्र से खुशियाँ प्रदान करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से आप इस तरह से हेडिंग देते हुए रवि शर्मा यानी जो लिख रहा है बस लिखेंगे, सदर बाजार सुल्तान नगर दिनांक 11 अगस्त, यानी आज की दिनांक रखेंगे 11 अगस्त 2020। तो बच्चों यहाँ पर एक लाइन आप छोड़ सकते हैं, ऐसे सिर्फ एक पूरे पत्र के अंदर एक मात्र आपको लाइन छोड़नी है, वो लाइन आप यहाँ छोड़ेंगे। इस तरह से लाइन छोड़ते हुए हम आगे शुरुआत करेंगे। तो बच्चों आपको इस प्रकार का निशान अपनी नोटबुक में नहीं लगाना है, इस प्रकार का निशान आप अपनी नोटबुक के अंदर नहीं लगाना है। तो आपको बताया गया कि आप इस तरह से एक लाइन छोड़ सकते हैं, आप एक लाइन का गैप आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर उसके बाद में मेरे मित्र पंकज सहसने नमस्कार इस तरह से लिखेंगे। फिर आप समाचार पत्र के द्वारा जो मेन मुख्य बॉडी है या मुख्य भाग में लिखते हैं, जो पत्र का जो मुख्य भाग कहलाता है, उसमें यहाँ से शुरुआत करेंगे। समाचार पत्र से ज्ञात हुआ कि तुम्हें राष्ट्रपति महोदय द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस सूचना से मेरा मन प्रमुखित तथा रोमांचित है, बहुत अत्यधिक प्रसन्नता है, और कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता है, बहुत ज्यादा खुशी है, और मैं रोमांचित भी हूँ कि इस तरह से राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। तो यहाँ पर अपनी तरक्की जो उसको इस तरह से मिला है उसका मैं उसको भी अपनी प्रसन्नता जाहिर करें। तो इस शुभ अवसर पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो, और मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में भी ऐसे ही कीर्तिमान स्थापित करते रहोगे, यानी इस तरह से अपने आगे भी आशा करते हैं, या आपको जो मित्र है रवि है वो पवित्र से ये आशा कर रहा है कि तुम आगे भविष्य में भी इस प्रकार से ऐसे कीर्तिमान स्थापित करते रहोगे। अपने माता पिता को मेरे ओर से संस्पर्श देना, तुम्हारा मित्र रवि शर्मा। यानी इस तरह से बच्चों यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पत्र होते हैं या प्रार्थना पत्र होते हैं या जिसे भी है, इसको व्यवस्थित करना अति आवश्यक होता है, यानी कि व्यवस्थित जिस तरह से आपकी बुक नोटबुक पर जो भी है नोटबुक के अंदर या आपका जो एग्जाम जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके अंदर बात की जाए, तो इस प्रकार की जो आपसे दिया हुआ होता है उसके पास भी व्यवस्थित करते हुए होना चाहिए। इसी व्यवस्थित तरीके से किया हुआ कहाँ पर इसको पूर्णग्राम लगाना है, कहाँ पर अनुग्राम लगाना है, कहाँ पर लघुग्राम लगाना है, तो इस तरह से लगाते हुए अगर आप पत्र को या प्रार्थना पत्र को व्यवस्थित करते हैं तो उसके से आपको जो अच्छे मार्क्स हैं प्राप्त होते हैं। इस तरह से आप इसमें ध्यान देंगे। कल हमने जो धन्यवाद पत्र था आज हम बधाई पत्र के रूप में किया है, और आगे भी आप इस प्रकार के बधाई पत्र जो भी आपको बधाई पत्र
यहाँ पर दिए जाते हैं, आप उनको अच्छी तरह से लिखेंगे और जमान करेंगे उनको। तो आज हम आपको इसी प्रकार का एक भरे पत्र भी देते हैं, तो फिलहाल एग्जाम तो अभी निकला था, तो एग्जाम में आपके ऐसे बहुत सारे मित्र बंधु या ऐसे मित्र होंगे या फ्रेंड्स होंगे जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो आप उन्हें एक पत्र के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ आपको बात के रूप में देते हैं, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से इस पत्र को लेखन करना है, लिखना है और अच्छे तरह से लिखते हुए इसको ग्रहण करना है, दोहरा करना है। तो आगे हम आपको इस तरह से एक अन्य पत्र के रूप में देखते हैं, बच्चों आप ध्यान से देखेंगे। तो बच्चों हम अनौपचारिक और औपचारिक पत्र के दोनों के बारे में जान चुके हैं, समझ चुके हैं किस प्रकार से धन्यवाद या बधाई या कृतज्ञता से ज्ञापन करेंगे या ज्ञापन करेंगे या बधाई संग करेंगे या बधाई पत्र के रूप में भेजेंगे। आपको उसी फॉर्मेट के अंदर आपको बधाई पत्र के रूप में एक पत्र आपके स्वयं दर्शक करेंगे नोटबुक के अंदर अच्छी तरह से एड्रेस के द्वारा एड्रेस है, फिर हम जो मित्र है या कोई भी आपका अपना जो नेतिजन और कोई भी व्यक्ति है उसको किस नाम से संबोधित कर रहे हैं, जो दर्शक दिया होता है, मान लो आपने एग्जाम पेपर के अंदर या आपको बनाकर उसमें लिखेंगे या प्रश्न को निगत मानते हुए अपने मित्र विवेक को प्रिंसिपल मिलने पर कम आने पर बधाई देते हो पत्र लिखिए। तो बच्चों इन पे रिजल्ट आए हैं तो उनमें बहुत सारे लिखते हैं पते हैं, अगर आपको बधाई पत्र लिखना पड़े तो किस तरह से आप बधाई पत्र लिखेंगे, उस तरह से आप उसको आधार मानकर बधाई पत्र रूप में लिख सकते हैं बच्चों। और अच्छी तरह से आपके फॉर्मेट के अंदर लिखा होना चाहिए और एक पत्र लिखेंगे आप औपचारिक पत्र के रूप में, जिसको शिकायती पत्र के रूप में हो सकता है या अपने कह सकते हैं जो अनुरोध करना होता है वो भी हो सकता है, क्योंकि अनुरोध शिकायती पत्र के तहत ही होता है बच्चों। ब्याज कर सकते हैं अनुरोध पत्र लिखते हैं या कह सकते हैं विनती करते हुए हम पत्र लिख रहे हैं या एक तरह से शिकायती होती है बच्चों कि हमारे ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आप सुधार कीजिए ये कीजिए, हमें उनसे शिकायती कर रहे होते हैं या हम एक तरह से अनुरोध करते हुए उन्हें इस तरह से शिकायती कर रहे हैं, इस तरह से पत्र होता है। इसमें आप स्वयं को भवेश को मानकर अपनी चिंतित विद्युत अभियंता को बोर्ड परीक्षा कार्य के कारण विद्युत आपूर्ति नियम व्याप्त रूप से कराने हेतु अनुरोध पत्र लिखे, यानी आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर जो बिजली है विद्युत है उसका आपूर्ति सही नहीं है, नियमित नहीं है और पर्याप्त रूप से भी नहीं मिलती हो, यानी उसके अंदर की पारदर्शिता रहता है या कह सकते हैं जो उचित जितनी आपके मतलब आपके पास विद्युत पहुँचनी चाहिए या जितनी हमें उसकी रोशनी चाहिए वो पर्याप्त नहीं होती, इस तरह से कहते हुए हम उन्हें अनुरोध करते हुए पत्र लिखेंगे। तो ये बच्चों आपकी बरसाना क्षेत्र के अंदर है, आप बरसाना से जैसे रह रहे हो तो अब आपको बरसाना में तो आपको किस प्रकार से जो अभियंता है कौन सा नगर है या विद्युत अभियंता अधिकारी बरसाना, फिर आप किस तरह से करते हुए पत्र के रूप में लिखेंगे वो तो किस तरह से आप दो पत्र आप स्वयं खुद करेंगे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज के द्वारा या पूछ सकते हैं, इस तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं ये दो पत्र आप कैसे लिखेंगे। तो बच्चों एक टेस्ट के लिए बोला हुआ है, उस टेस्ट के अंदर आपको लेसन भी बताया हुआ है कि कौन सा लेसन करना है, तो आप उस चीज का जो फर्स्ट है सुर सुरदास द्वारा रचित तो उसका अध्ययन करेंगे दोहरान करेंगे अच्छी तरह से लर्न करेंगे और कल आपके सभी के सभी बच्चे जो नोट बुक है उसके अंदर जो आपको यहाँ से या टेस्ट में जो पत्र या मान लो जैसे आपको ये टेस्ट रूप में जो अध्याय है उसके क्वेश्चन जाते हैं तो आप बड़े ईमानदारी से उसको करते हुए नोट बुक के अंदर करते हुए जैसे किसी भी प्रकार के चीजें नहीं मिलेंगे, समझदार बच्चे हैं आप, एक तो आगे आने वाली आगामी जो परीक्षा है उसकी तैयारी के रूप में करने वाले तो यहाँ आप किसी भी प्रकार की चीजें नहीं करते हुए अच्छी तरह से दिमाग करते हुए आप
रेस्ट मिलेगा उसको नहीं करेंगे या फिर रेस्ट मिलेगा उसको करते हुए भेजेंगे।